और आइए अब आपको दिखाते हैं उस कांकेर की तस्वीरें जहां अफसर का मोबाइल ढूंढने के लिए लाखों लीटर पानी बहा दिया जाता है, और वहीं एक ऐसा गांव है जहां के लोग झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। बूंद बूंद पानी को तरसते लोग, ये तस्वीरें उसी कांकेर की हैं जहां एक अफसर का मोबाइल ढूंढने के लिए 21 लाख लीटर पानी बहा दिया गया। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित जीवलामारी गांव है, जहां पहाड़ी में बसे इस गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से भी ग्रामीण जूझते हैं। जब शासन प्रशासन ने कोई पहल नहीं की तो ग्रामीणों ने खुद से पानी की समस्या दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए हर घर से 11,000 रुपए जमा कर बोर कराया और बोर से पानी तो निकाला गया, लेकिन ये पानी ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए बिजली की जरूरत मानता है, जो कि यहाँ नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ट्रांसफार्मर और पंप नहीं लगा तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। पानी के है, पानी के है, का है? सड़क के कांकेर जैसे जाते तुम मन तो कांकेर जाए वो कैसे कौन सा रास्ता जाना आना इरा दहाए दे कांकेर तक सड़क कैसे सड़क बनाए पर नहीं बोले ऊपर से बोल थान फिर बन ही तक तो और ये पानी वा? पानी वाला बोल थान कौन मन कौन कौन करना चाहते थे कलेक्टर मन करा। गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए 5 साल पहले कच्ची सड़क बनी थी जो बारिश में बह गई, और ऐसे में बोरिंग की गाड़ी भी केशकाल से 50 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय कर यहां पहुंची। ग्रामीण पानी के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे पानी भरने में घंटों का समय लगता है और ऐसे में ग्रामीणों को झिरिया का पानी पीना पड़ता है। कांकेर से महज 15-17 किलोमीटर है। अच्छा, आप लोगों को क्या समस्या है भैया, वहाँ जाने वाने के लिए रास्ता है? जाने के लिए रास्ता नहीं है सर जी, बस। और सबसे बड़ी समस्या है रोड और फिर पानी का। पानी की अभी कैसी क्या समस्या? अब हम लोग जिला प्रशासन से भी गुहार किए, सबसे किए, और हमारे उनके पंचायत के माध्यम से और फिर जिला प्रशासन के माध्यम से आश्वासन दिया गया कि बोर खुदवा फिर हम लोग करेंगे। बोर भी खुदाई हो गया, 500-600 फीट खुदाई हो गया है, पानी भी आ गया है, और हमारा मांग है कि ऊपर में बड़ा ट्रांसफर चढ़ जाए फिर वहाँ से बोर भी चले। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन से सड़क और पानी की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक न सड़क मिली न ही पानी। जहां मोबाइल ढूंढने के लिए लाखों लीटर पानी बहा दिया गया हो, वहां पानी की ऐसी किल्लत सवाल तो खड़े करती है। कांकेर से न्यूज 18 के लिए हेमनारायण शर्मा की रिपोर्ट।